Hello dear students, I welcome you again on my YouTube channel with Competitive English Part 5, and today we are going to learn the portion of grammar and the portion is pronoun. हम लोगों ने noun को complete किया है, अब हम लोग pronoun को पढ़ने वाले हैं and this is part 1 of pronoun, यानी सर्वनाम का ये पहला भाग है. आइए हम लोग जानते हैं सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम होता क्या है. A word which comes in place of a noun or replaces a noun. वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आकर उसका स्थान ले लेता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं. ठीक है, जैसे I, we, you, they, he, she, it, etc. तो ये सब सर्वनाम है. यहाँ कुछ उदाहरणों से आप समझ सकते हैं. अजय इज अ बॉय, ही इज माई फ्रेंड. अजय यहाँ संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है, और उसके स्थान पर ही आ रहा है. चूँकि बार बार हम किसी चीज़ को, किसी संज्ञा को, एक ही संज्ञा को बार बार रिपीट न करके उसके स्थान पर सर्वनाम को लाते हैं. तो अजय एक लड़का है, वह मेरा दोस्त है, तो वह जो है वो अजय के लिए लाया गया सर्वनाम है. अनीता इज़ अ गर्ल, शी इज़ टॉल. अनीता जो है एक लड़की है, उसके लिए लाया गया सर्वनाम शी है. रवि एंड अमर आर फ्रेंड्स, दे आर इंटेलिजेंट. रवि और अमर दो लोग हैं और इनके लिए लाया गया सर्वनाम दे है. तो आप देख रहे हैं कि अजय, अनीता, रवि और अमर के लिए कौन कौन से सर्वनाम का उपयोग किया गया है. वी हैव एट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. आठ प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं जिन्हें हम लोग आज देखेंगे. चूंकि ये बेसिक वीडियो है, इसके बाद मैं इसके रूल्स बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इन सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है. फर्स्ट काइंड है जिसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम. यह पर्सन के लिए आता है, यानी व्यक्तियों के बारे में यह बताता है. जैसे आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम. सो ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी संकेतवाचक सर्वनाम, जो इशारा करता है या किसी संकेत से हम लोग किसी चीज़ को दिखाते हैं डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए. दिस, दैट, दीज, दोज, यह, वह, वे, ये, तो ये सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, यानी व्यष्टिवाचक सर्वनाम, जो बांटता है, प्रत्येक को दिखाता है. लाइक ईच, ईदर, नीदर, एवरी, नन, एट्सेट्रा, ये सब बताता है प्रत्येक, या तो, नहीं तो, ठीक है, कोई नहीं, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, यानी परस्पर संबंध वाचक सर्वनाम, यानी संबंध को दिखाता है. जैसे ईच अदर, यानी वी लव ईच अदर, हम लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं. वन अनदर, यानी एक दूसरे के लिए होता है इसका अर्थ, लेकिन यह दो से अधिक लोगों के लिए यूज किया जाता है. ईच अदर का प्रयोग केवल दो लोगों के लिए करते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, निजवाचक सर्वनाम, यानी जिसमें हम लोग अपना या अधिकार को दिखाते हैं. जैसे माई सेल्फ, मैं स्वयं, आर सेल्फ्स, हम लोग स्वयं, योर सेल्फ, तुम स्वयं, योर सेल्व्स, आप लोग स्वयं, हिमसेल्फ, वह स्वयं. तो इस प्रकार स्वयं का अर्थ इसमें आता है, उसने इसे स्वयं किया, ही डिड इट, ही डिड इट हिमसेल्फ. ठीक है, नेक्स्ट है इनडेफिनिट प्रोनाउंस, यानी अनिश्चयवाचक, इसमें पता नहीं चलेगा कौन. जैसे एवरीबॉडी, हर कोई, समबडी, कोई, नोबडी, कोई नहीं, एनीबडी, एवरीबॉडी, समवन, नो वन, एनीवन, तो इसमें यह नहीं पता चलता है कि कौन सा, तो निश्चित नहीं पता चलता है, इसलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी संबंधवाचक सर्वनाम, ये संबंध दिखाता है, ये वाक्यों को जोड़ने में मदद करता है. दिस इज द बॉय हु इज प्लेइंग वेरी वेल, यही वह लड़का है जो बहुत अच्छा खेल रहा है. तो हु, होम, हुज, विच, दैट, ये सब जो है ये वाक्यों को जोड़ते हैं और इनका अर्थ हमेशा ज से शुरू होगा. जैसे हु, यही वह लड़का है जो, ठीक है, यही वह आदमी है जिसे, यही वह जगह है जहां, तो ज से शुरू होगा इसका अर्थ हिंदी में. इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम. तो ये सारे जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वे सारे शब्द वही रहेंगे, केवल इनका अर्थ क्या होगा, क से शुरू होगा, क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब. तो हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, होम, विच, हाउ, जिनका उपयोग हम लोग प्रश्न करने के लिए करते हैं. ठीक है, तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं.
Now we have the first kind and we have to understand it with the help of case. Personal pronoun को हम लोग case के तहत पढ़कर समझेंगे, जो कि वाक्यों में हम लोग use करते हैं as a subject, as an object, अधिकार दिखाने के लिए, ठीक है? तो nominative case जिसे हम कहते हैं कर्तृकारक, objective case यानी कर्मकारक, possessive केस यानी अधिकारवाचक कारक। यहाँ पजेसिव केस के दो काइंड्स होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव यानी अधिकारवाचक विशेषण और पजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम। तो हम लोग दोनों पढ़ लेंगे यहाँ। नॉमिनेटिव केस का यूज हम लोग सब्जेक्ट के फॉर्म में करते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हम लोग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका अर्थ क्या क्या होता है। आई, आई का अर्थ मैं, मैंने, मुझे, मेरे। आप देख रहे होंगे कि इसके चार अर्थ दिखाई पड़ रहे हैं और बाकियों का भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं हिंदी में। तो मैं आई का उदाहरण देकर बताता हूँ। मैं खुश हूँ तो कहते हैं आई एम हैप्पी। मैंने का उपयोग कैसे करेंगे? मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। मुझे एक कलम है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। तो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे अर्थ होते हैं। मी, मुझे, तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जब इसका यूज होता है तो मी का यूज किया जाता है। माय, मेरा, अपना, अधिकार दिखलाने के लिए। मेरा, माइन का अर्थ मेरा भी होता है। तो हम लोग आगे देखेंगे इसका उपयोग कैसे करते हैं, लेकिन यह चार्ट जो है आप लोग जरूर याद कर लेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉमन एरर्स में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। We, us, our, ours, ये सीरीज है, इसको इस ऐसे ही याद करेंगे आप। You, you, your, yours, they, them, they, theirs, he, him, his, she, her, hers, it, it, its। तो ये चार्ट बहुत ही उपयोगी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। Use of nominative case, कर्तृकारक का हम लोग कैसे यूज करते हैं। Used as a subject of a verb in sentence, एक वाक्य में वर्ब के सब्जेक्ट के फॉर्म में इसका यूज करते हैं। I am a teacher, मैं एक शिक्षक हूँ। यहाँ am जो हेल्पिंग वर्ब है उसके पहले I आ रहा है, तो ये क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है वर्ब के लिए। We are doctors, you are a player, they are engineers, he is a farmer, she is a housewife. It is an important question. तो यहाँ I, we, you, they, he, she, it जो देख रहे हैं ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। Use of objective case, objective case का use हम लोग object के form में करते हैं। यह भी verb का object का काम करता है। For example, he loves me, यहाँ आप देख रहे हैं loves verb है, इसके बाद me आ रहा है, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। दे नो अस, ही हेट्स यू, आई इनवाइटेड देम, शी चिड हिम, ही हेल्प्ड हर, दे बॉट इट। तो मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, ये जितने भी हैं ऑब्जेक्टिव केस हैं और ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। यूज ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव, ओके, हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कैसे करते हैं? इसका प्रयोग नाउन के पहले होता है, यानी संज्ञा के पहले यूज किया जाता है। और हम लोग देखेंगे कि एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एंड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इसका यूज कैसे करते हैं। तो एज अ सब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं पहले, माय फादर इज अ डॉक्टर, मेरे पिता एक डॉक्टर हैं। तो फादर आप देख रहे हैं यहाँ एक नाउन है और नाउन के पहले माय को ला रहे हैं, यानी यह साबित होता है कि इसका उपयोग हम लोग नाउन के पहले करते हैं। और इज का ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। Our country is great, country के पहले आ रहा है, noun के पहले आ रहा है और is का subject के जैसा काम कर रहा है। Your mother is kind, their house is new, his future is bright, her husband is a player. तो आप यहाँ my, our, your, they, his, her आप देख रहे हैं ये subject के form में है यहाँ और noun के पहले हैं और क्रिया के subject के form में काम कर रहे हैं। एज एन ऑब्जेक्ट क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं ये देखते हैं। ही इज माई बॉस, यहाँ माई देख रहे हैं और बॉस देख रहे हैं, तो ये बॉस नाउन है उसके पहले आ रहा है और वर्ब इज है, तो इज के लिए यह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। दैट इज आवर हाउस, दैट इज योर प्रॉब्लम,
वी आर देयर फ्रेंड्स, दिस इज हिज चॉइस, दैट इज हर प्लान। तो यहां जितने भी माई आवर योर देयर हिज हर, ये जितने भी पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में काम कर रहे हैं। नाउ वी हैव यूज ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन। हम लोग प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं, यानी अधिकारवाचक सर्वनाम का यूज कैसे करते हैं। इसका प्रयोग नाउन के बाद होता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। एज अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कैसे काम करता है हम लोग देखते हैं। एज अ सब्जेक्ट क्या है, द हाउस ऑफ माइन इज न्यू। यहाँ माइन जो देख रहे हैं ये है पोजेसिव प्रोनाउन, और ये हाउस के बाद यूज किया जा रहा है, तो नाउन के बाद इसका यूज करते हैं हम लोग। और यहाँ सब्जेक्ट के फॉर्म में काम कर रहा है वर्ब का, जैसे इज के लिए यह सब्जेक्ट है। द वर्क ऑफ योर्स इज प्रेज़वर्दी, द कंट्री ऑफ आर्ट्स इज रियली ग्रेट। तो इन सारे वाक्यों में एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है और नाउन के बाद आ रहा है। एज एन ऑब्जेक्ट, दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है। दैट वर्क इज योर्स, दिस कंट्री इज आर्ट्स। तो यहाँ नाउन के बाद यूज हो रहा है और वर्ब के ऑब्जेक्ट के फॉर्म यूज हो रहा है, तो इज के बाद माइन आ रहा है, इज के बाद योर्स आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यूज ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोनाउन, एंड आई विल सून मेक द वीडियो ऑन पार्ट टू ऑफ प्रोनाउन, एंड वी विल लर्न द स्पेशल यूसेज ऑफ प्रोनाउन, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज। Have a good day.